कोरोना काल में प्रदेश में कवरेज कर रहे पत्रकारों पर दर्ज हुए मामलों को वापस लेने के निर्णय को नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के हमीरपुर अध्यक्ष पंकज भारती ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा जल्द ही पत्रकारों पर दर्ज हुए मामलों को वापस लिए जाने की बात कही है, जो कि काबिले तारीफ है। पंकज भारती ने कहा कि कुछ दिन पहले ही नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेशाध्यक्ष रणेश राणा की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पत्रकारों पर हुए केसों को वापस लेने की मांग की थी, जिस पर सीएम ने इन केसों को वापस लेने की बात कही है। पत्रकारों के ऊपर विभिन्न स्थानों पर कुछ केस होने का समाचार प्राप्त हुए थे, उसमें कारण ये भी था कि कई बार आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाती है, परंतु पत्रकार के ऊपर अपने टाइम लिमिट का प्रेशर रहता है, जिस वजह से कई बार आधिकारिक पुष्टि किए बिना ही समाचार भेजना पड़ता है। तो उस वजह से कुछ केस हुए थे। वर्तमान में अभी अपने प्रांत अध्यक्ष रणेश राणा जी के नेतृत्व में पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश में मुख्यमंत्री और सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में भी निदेशक महोदय से मिला था और सभी बंधुओं के साथ बातचीत हुई थी। तो उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने पत्रकारों के खिलाफ हुए सभी केसों को वापस लेने के आदेश दिए हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय के इस आदेश के प्रति आभार भी उनका प्रकट करते हैं और उनके इस आदेश का स्वागत भी करते हैं, क्योंकि पत्रकार और जो सरकार है वो एक दूसरे के पूरक के नाते कार्य करते हैं। तो अगर ऐसी कहीं किसी ने जानबूझ के तो कोई गलती की नहीं है, परंतु जो टाइम लिमिट का प्रेशर होता है उसी के अनुरूप कई बार ये भूल हो जाए। वहीं पंकज भारती ने बताया कि हमीरपुर जिला में भी बचे हुए ब्लॉकों में यूनियन का विस्तार किया जा रहा है और जल्द ही सुजानपुर भोरंज में भी चुनाव संपन्न करवाकर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। एनएजे की जो हमीरपुर इकाई है उसका गठन पिछले दिनों प्रदेशाध्यक्ष रमेश राणा जी के नेतृत्व में हो गया है। मेरे अतिरिक्त वहाँ पे चार और बंधुओं को जिम्मेवारी दी गई है, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं और सदस्यता अभियान प्रमुख हैं। इसमें दूसरे क्रम में अब हम सभी उपमंडलों में जाके जो है वो सारी उनकी कार्यकारिणियों का गठन कर रहे हैं। इस सप्ताह जो है वो सुजानपुर और भोरंज उपमंडल में जो है वो हम कार्यकारिणी का गठन का हमारा एक प्रस्ताव है। अब इसके पश्चात हम नगौन उपमंडल में वहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों सभी के साथ बातचीत चल रही है और उसके उपरांत वहाँ पे भी निर्णय लिया जाएगा और फिर अंत में बड़सर उपमंडल में जो है वो कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। जब चारों उपमंडलों में कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा उसके पश्चात हम जिला की कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे।